एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रिथा। आज जो मैं आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी या अर्निंग अपॉर्चुनिटी पेश करने जा रही हूँ वो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इसमें आप रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर में अर्न करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें $13 पर आर अर्न कर सकते हैं आप, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं अराउंड 970 रुपीज आज के रेट के हिसाब से पर आर, अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज पर आर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप जल्दी से इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में एंड तक देख लीजिए, उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 12th पास हैं, कॉलेज में एंटर कर गए हैं, या आपने कहीं पर भी अराउंड 1 ईयर कॉल सेंटर एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको हाँ इंग्लिश बोलनी सुननी और समझनी आनी चाहिए। तो बाकी की डिटेल्स के लिए हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर और देखेंगे कि किस तरह हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आज जिस जॉब अपॉर्चुनिटी की अभी मैंने आपसे बात करी वो आप देख सकते हैं, वो डायनेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। ये लास वेगास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और क्योंकि ये रिमोट वर्किंग है तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट पार्टी डेटा प्लेटफॉर्म है फॉर इनसाइट एक्टिवेशन एंड मेजरमेंट्स। अब आप इसके जॉब को यहाँ पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली लिंक में जाकर ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ जाएंगे, करियर्स में जाएंगे, तो ये खुल जाएगा यहाँ पे सर्च ओपन जॉब। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉल सेंटर क्वालिटी एनालिस्ट जो जॉब है उसके बारे में, तो आपको वो जॉब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए डायरेक्टली लिंक से जॉब को ओपन कर रखा है, तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप उसमें जाकर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप डायनेटा के साथ ये कॉल सेंटर क्वालिटी एनालिस्ट पार्ट टाइम रिमोट जॉब है जो कि अभी ओपन है। ये कल ही पोस्ट करा गया है जॉब। इसमें आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आपको इसके साथ डायनेटा में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी इसमें एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। आप अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप आपको बोलेगा लॉगिन क्रिएट करने के लिए, या अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, जो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जिसमें बेसिकली जॉब रिक्वायरमेंट्स कॉरपोरेट प्रोफाइल के लोग होते हैं, जिसमें लोग बिजनेसेस की डीलिंग भी करते हैं, तो इस पर आप जाकर अगर आपका यहाँ अकाउंट है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस जॉब में है क्या। तो हमने यहाँ देख लिया कि ये कॉल सेंटर क्वालिटी एनालिस्ट पार्ट टाइम जॉब है, रिमोट जॉब है। क्या करना होगा इसमें बेसिकली, आपको रिव्यू एंड करेक्ट रेस्पॉन्सेज टू सर्वे क्वेश्चन रिकॉर्डेड बाई फ़ोन सेंटर एजेंट। तो इनके जो फ़ोन सेंटर एजेंट हैं वो जो जैसे हमें कभी कभी कॉल्स आते हैं और सर्वेज होते हैं, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आप कौन सी कार यूज़ करते हैं, क्या इसमें आपको अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे इनके कई सर्वेज रिकॉर्डेड होंगे, आपको उनको रिव्यू करना है। और अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स सही फॉर्मेट में नहीं दिया गया है जैसा कि क्लाइंट ने उम्मीद करी है या क्लाइंट ने डिटेल दी है, तो आप उसको ठीक करेंगे। वेरीफाई कंटेंट एंड फॉर्मेट इन ऑर्डर टू एंश्योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सो ये वही बात है, जैसा क्लाइंट ने फॉर्मेट मांगा है उस फॉर्मेट में आप उस रिस्पॉन्स को डालेंगे। और अगर उसमें कोई भी इन एक्यूरेसी इन सीक्वेंस रीजनिंग, कोई भी आपको लगता है फर्स्ट का आंसर सेकेंड में रिकॉर्ड हो गया है या सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेलिंग एरर है, कोई ग्रामर की एरर है, तो आप उसे ठीक करेंगे। इसी के लिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश बोलना लिखना और समझना आना चाहिए। correspond with call center to correct surveys that have been submitted with an error. फिर आप call center के साथ डायनेटा का जो call center है उसके साथ coordinate करते रहेंगे और इनके जो surveys हैं उनको analyze करेंगे, review करेंगे और उनको बताएंगे कि ये आपको लगता है survey में ये error है, ऐसे इसको आपने rectify किया है, या ये survey आपको false लग रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये गलत responses record करे गए हैं। बस आपको इतना ही काम करना है। क्या स्किल्स चाहिए? कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप
टीम वर्क होना चाहिए आपके अंदर, मतलब आप क्योंकि आप सर्वेस के साथ कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ के साथ डील करेंगे, तो टीम वर्क होना चाहिए आपका। वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, मतलब आपको बोलना और लिखना इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? हाई स्कूल डिप्लोमा विथ सम कॉलेज प्रेफर्ड। सो बेसिकली क्योंकि ये बाहर की रिक्वायरमेंट है, फॉरेन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जैसे हम 10th और 12th करते हैं वो नहीं होता है, तो ये इन्होंने हाई स्कूल डिप्लोमा जो हमारे वहाँ की अप्रॉक्सीमेटली 12th के बराबर होता है तो वो है, या आप किसी कॉलेज में अगर एंटर कर चुके हैं तो दैट इज़ सफिशेंट। 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल एनवायरमेंट, तो आपने कोई भी 1 ईयर तक अराउंड कहीं पे भी कुछ भी काम किया, आपको एक प्रोफेशनल मतलब काम करना क्या होता है, कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए सबसे अच्छी बात है, $13 पर आर, अप्रॉक्सीमेटली 970 रुपीज़ पर आर, 1000 रुपीज़ पर आर है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शिफ्ट अप टू 30 आवर्स इन अ वीक, आपको अराउंड 30 आवर्स इन अ वीक काम करना होगा। फ्लेक्सिबल शिफ्ट है, 3 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात वाली शिफ्ट्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं बेसिकली, क्योंकि फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है उनके इन वर्किंग आवर हमसे डिफरेंट होते हैं, और मंडे टू फ्राइडे है, वीकेंड कम्प्लीटली ऑफ है। फिर इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी, आप चाहे किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप फीमेल हो, आप डिसेबल्ड हो, आप चाहे कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका हो, कोई भी जेंडर हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। दे आर फेयर एंड इक्वल एम्प्लॉयर, आप यहाँ इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लॉग इन करके एक साइन अप क्रिएट करके, या आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वेट मत करिए, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, $13 पर आर इज़ अ बिग अमाउंट, और अगर आपको रिमोट वर्किंग से पढ़ाई के साथ या घर में खाली हैं उसके साथ आप ये कर सकते हैं तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जल्दी से अप्लाई करिए और इसे अर्न करिए। आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की हाई अर्निंग इजी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ये अलर्ट सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए मिलते हैं अगली जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ।